अस्सलामु अलैकुम टू एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। तो आज का जो व्लॉग है वो सुबह सुबह नाश्ते से शुरू हो रहा है। तो आज मेरा पराठा खाने को दिल था और मामा जो है वो चकोर पराठा बना रही हैं, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और नाश्ता वैसे तो मेरा करने को दिल नहीं करता, लेकिन जब करता है तो कभी पराठा और कभी बेकरी आइटम्स, तो साथ में फ्राई एग ले रही हूँ मैं। तो आप लोग बताएं कि आप लोगों की लाइफ जो है वो कैसी गुजर रही है। साथ में हम लोगों ने रात को गोभी वाला सालन बनाया हुआ था, थोड़ा सा मैं वो लूँगी और साथ में एग फ्राई अंडा, और ये मेरा नाश्ता है। और नाश्ता वगैरह करने के बाद हम लोग नानाबू के घर आ गए थे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेशल चीज़ बन रही थी, मुर्गियों के पंजे। तो किस किस को पसंद है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद। और अभी मैंने कहा आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, तो दोनों मोमानियाँ मिल के बैठ के साफ कर रही थी इसे, और पता नहीं कौन सा इनका देसी तरीका है कि थोड़ी देर पहले इसे चूल्हे पे रखते हैं और जितने भी नाखून वगैरह होते हैं सारे फिर उतारते हैं। और यहाँ पे जो मेरी कज़न है, माशाल्लाह से इतने इनके बहन भाई हैं, लेकिन स्टिल ये जो है अपना टैडी बियर उसे बेबी की तरह रैप करके ना, तो कह रही थी मेरा भाई है। मैंने कहा लाइक सीरियसली अभी भी आपको बहन भाइयों की ज़रूरत है। तो उसके बाद मामी जो है मेरी वो रोटी बना रही थी, तो मैंने कहा आप लोगों के लिए ये भी वीडियो बनाती हूँ कि हमारी नान के घर में कैसी रोटियाँ बनती हैं। मतलब हर घर में बनती हैं ऑब्वियसली, लेकिन हमारे इधर कैसे बनती हैं। और साथ में जो मेरी छोटी मोमानी है उन्होंने लंगड़ी में यानी कि देसी तरीके से प्रॉपर चटनी बनाई है, कूट कूट के हरी चटनी, मतलब इतने मज़े की, इसकी फ्रेगनेंस भी बहुत प्यारी आ रही थी। तो ये हमारा जो खाना है वो बिल्कुल तैयार है। साथ में इन्होंने आलू गोश्त बनाया हुआ था, ये मेरी छोटी कज़न है तो ये कहती है मैं खाना लेके जाऊँगी अंदर। अभी रात के खाने का टाइम था और ये लोग स्टिल अपनी खाने की चीज़ें खा रही थी और साथ में मोबाइल यूज़ कर रही थी। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा किस किस के घर में बच्चे जो हैं वो स्टिल ऐसी चीज़ें खाते हैं खाने के टाइम भी। मैंने तो मोस्टली ऐसे लोग भी देखे हैं जो कि बच्चों को ऐसी खानों की चीज़ों से इतना दूर रखते हैं, एंड आई थिंक सो वो बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि अगर बच्चे ये खा लें उसके बाद खाना वो बिल्कुल भी नहीं खाते तो ऐसी अच्छी चीज़ नहीं है ये। तो ये मेरी छोटी कज़न है तो ये अपनी मामा को देखती है कि वो कैसे बर्तन धोती हैं और सब कुछ, तो ये अभी वो धो रही थी। खाना खाने के बाद बच्चे सारे जो हैं ये सारे हमारे घर के कज़न्स हैं यानी कि छोटी छोटी हैं लोग, तो उन्होंने कमेटी डालनी थी 10 रुपये की, मतलब रोज़ाना 10 रुपये देनी है। कमेटी के नाम जो हैं वो सारे लिस्ट आउट हो चुके थे। अभी मामी मेरी हैं, ये सबसे बड़ी मोमानी है मेरी ये, तो ये पर्चियों पे नाम लिखेंगी। और अनफॉर्चुनेटली सीज़र मिली नहीं थी तो नाइफ की मदद से कट कर रही हैं पर्चियाँ, ये इस पे नाम लिखेंगी। और फिर मेरी नानी मैंने उठाई थी और लकली सबसे पहली कमेटी जो है इन्हीं की बेटी की निकली है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। हम लोग टोटल कमेटी के मेंबर्स हैं 13 और कमेटी मतलब चलती जाएगी, एक मंथ के बाद एक की निकलेगी। और मैंने 2 डाली थी, 10 रुपये रोज़ के देने हैं, और मैंने जैसा कि 2 डाली हैं तो मुझे रोज़ाना के 20 रुपये देने होंगे। मुझे कमेटी से एक बात याद आ गई कि जब हम लोग स्कूल टाइम में थे तो हम लोग कमेटी डाला करती थी सारी फ्रेंड्स, और लिटरली टू बी वेरी ऑनेस्ट एक भी कमेटी हमारी सक्सेसफुल नहीं होती थी क्योंकि हमारी बीच में लड़ाई हो जाती थी। तो कभी एक ने कहना कि मेरे पैसे वापस कर दो और कभी एक ने कहना। बहरहाल देखिए हमारी कमेटी कब तक चलती है। बस अभी हम लोग घर जा रहे हैं और नानी मेरी मुझे ये पापड़ ला के दिए, उन्हें पता है कि मैं ये शौक से खाती हूँ। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।